हेलो फ्रेंड्स, मेहरा राइडर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रॉयल एनफील्ड की क्लच वायर को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से चेंज हो जाती है। और जब ये टूटने वाली होती है, तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जब टूटने वाली होती है तो क्या आपको पहले ही इंडिकेशन इसका मिल जाता है कि ये टूटने वाली है और उससे आप ये चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी क्लच वायर जो है ये टूटने वाली है, और टूटने से पहले ही मुझे पता लग गया था कि ये टूटने वाली है, क्योंकि इसमें आप ये अंदर देख सकते हैं, ये टूटने के बाद इसमें वायरिंग जो है निकल चुकी है बाहर। ये देखिए, इसकी तार जो है वो निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखोगे जब राइडिंग पे होगे, तो ये जब क्लच आप प्रेस करने के बाद, गियर शिफ्टिंग के बाद छोड़ोगे, तो ये काफी पीछे रुक जाएगा और आपको ये महसूस होगा कि जैसे पहले आप यूज किया करते थे, क्लच छोड़ने के बाद गेयर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, या जो भी है जहां आपने सेटिंग की थी उससे काफी पहले रुक जाएगा। फिर आपको उंगली से इसको ऐसे आगे करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। तो फ्रेंड्स, जब आप राइडिंग करते होंगे तो आप जब क्लच को प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद जब छोड़ोगे तो ये यही रह जाएगा, फिर आपको उंगली से ऐसे पीछे करना पड़ेगा इस तरह से। देखिए, मैं जैसे क्लच छोड़ रहा हूं यहां रुक जाता है, उसके बाद मुझे उंगली से पीछे करना पड़ता है। तो ये इसी तरीके से पता लगेगा, पहले आप जब छोड़ते थे ये डायरेक्ट ऐसे आगे चला जाता था और आपकी जो सेटिंग थी, गियर शिफ्टिंग थी, बिल्कुल स्मूथ थी। आपको ये पता रहता था कि गियर जो है मेरा बिल्कुल, क्लच वायर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है, और जो क्लच लीवर है वो छोड़ते हुए बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे पहुंच रहा है। तो ये जल्दी से मैं आज चेंज करके दिखाऊंगा, और मैं इसकी वायर जो है रॉयल एनफील्ड का जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट है वहीं से लेके आया हूं, ज्यादा महंगी नहीं है, मैं आपको उसका प्राइस दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं वायर जो है रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है जो वहां से लेके आया हूं, और ये देखिए इसका एमआरपी मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं। ये देखिए देखिए इसका एमआरपी जो है वो ये है, और इतनी महंगी नहीं है ये। आप जब भी राइडिंग पे जाओ तो आप इसको ले जा सकते हो साथ में, और मैं तो ये कहूंगा कि आप राइडिंग पे साथ ले जाने की बजाय इसको चेंज करके जाइए जब आप लॉन्ग राइड पे जाओगे, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। मैं जल्दी से इसको ओपन करके, और ये पूरी वायर है जो, मैं इसको पूरा यहां से निकाल के पूरा चेंज करता हूं, और इसके साथ जो है पूरी वायरिंग ही नई आ जाती है, यहां तक कि इसकी जो रबड़ है ये जो, ये भी साथ में नई आ जाती है। तो इसलिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की या पुराना जो है वो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा नया लग जाता है। तो जल्दी से इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, हमें 12 नंबर की चाबी चाहिए होगी जो हमें ये नट खोलेंगे। तो अभी मैं तो उसको इसमें खोलता हूं। आपको फ्रेंड्स 12 नंबर की चाबी चाहिए होगी, और ये आपने जो है यहां से इसको लूज कर देना है। अगर आपके पास 2 चाबी हो तब भी ठीक है, एक हो तब भी काम चल जाएगा। यहां से इसको खोल के ये जो है लूज करना है आपने इस तरह से, और यहां से वायर जो है आपने निकाल देनी है, ये इस तरह से खुल जाएगा पूरा, और ये ऐसे पीछे से इसको भी लूज करना है, और आगे करके तो ये देखिए फ्रेंड्स, वायर ऐसे लगी होती है। आपने इसको आगे को करना है पूरा, यहां से नट लूज करके पूरा आगे करके, और यहां से आपने इसको हल्का सा आगे प्रेस करना है और वायर इस तरह से निकाल देनी है। ये देखिए बहुत ही इजी निकल जाती है, और इस तरह से निकालने के बाद आपने ये नट यहां से खोलना है, और ये रबड़ निकालनी है, नट बाहर निकालना है, और इसको यहां से बाहर निकाल देना है इस तरह से, और ये वायर जो है इसको इस तरह से अंदर डाल के लूज कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही ऊपर से ऐसे लूज करोगे इसको, तो यहां से ये देखिए ये पूरा एकदम लूज हो गया है, और लूज होने के बाद अब हम यहां से इसको निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहां से इसको निकालोगे आप, तो यहां से देखिए जैसे ही आप ये खींचोगे, ऐसे खींचने के बाद ऐसे ये बाहर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे जो है ये लॉक होता है हमारा अंदर, यहां पे लगा होता है, तो हल्का सा जो इसको जकड़ लेता है वो ऐसे बाहर निकालेंगे, नहीं निकलेगा। तो आपने पहले इसको ऐसे बाहर खींचना है, और बाहर खींचने के बाद ये ऐसे आपने बाहर निकाल लेना है,
तो ये देखिए ये तार मेरी अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है, और कई तारों का जाल होता है जो आपस में जुड़ा होता है ऐसे, और वो उसको पकड़ करता है, इसलिए एकदम वायर कभी भी ये टूटती नहीं है। पहले इंडिकेशन देगी तार टूटने की, फिर ये तार टूटेगी। तो ये देखिए, इसके बाद आपने इसको हल्का सा ऐसे हिलाते हुए नीचे को निकालना है, इस तरह से ऐसे हिलाते हुए बाहर निकालना है। ये देखिए, आप नीचे से भी देख के इसको निकाल सकते हो। ये देखिए, इस तरह से ये निकल गई है, और मेरी ये वायर देखिए आप, इसकी क्या हालत हो गई है, टूटने वाली थी, कहीं भी मुझे धोखा दे सकती थी ये। ये देखिए, सिर्फ एक वायर टिकी हुई है, बाकी सब टूट चुकी है। एक एक या दो दो भी नहीं है, एक ही वायर है जिसपे ये टिकी हुई है। ये देखिए, ये पूरी टूट चुकी है, सिर्फ एक वायर पे टिकी थी, बाकी सब टूट और गई। फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैं इसको क्लीन कर रहा था, इसको क्लीन और ल्यूब कर रहा था, उस वीडियो में मैंने इसका पूरा डिटेल इतना देख नहीं पाया था, मैंने सिर्फ क्लीन के बारे में बताया था। तो मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझे यह बताया गया था कि प्लीज आप इस वीडियो पे बनाइए कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करें इसमें, ताकि हम खोलने के बाद इसको इंस्टॉल कर सके। तो इसीलिए मैं इस पे दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो मेरी वायर भी चेंज हो जाएगी, और जो मेरे वो सब्सक्राइबर हैं उनको ये इसकी इंस्टॉलेशन के भी बारे में पता लग जाएगा कि कैसे इसको फिट करते हैं। तभी वो ये बोल रहे थे कि हम इसलिए इसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मैं जल्दी से निकाल के और नई डालता हूँ। देखो, निकालने के लिए ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ यहां से फ्रेंड्स निकालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहां से जो है बिल्कुल आसानी से निकालनी है, और इजीली निकालने के बाद जितने इसमें ज्वाइंट है, ये देखिए, यहां से पहले इसको इस तरह से निकालना है, और ये जो है जितने भी इसमें ज्वाइंट है उन सबको आपने निकालना है अलग से। वायर वगैरह जो लगी है इसमें, इसको क्लिप किया हुआ है, जितने भी केबल केबल टाई से जितना क्लिक किया है, इनको निकालने के बाद फिर दोबारा आपने अच्छे से दोबारा लगानी है, और इजीली प्रॉपर होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने नीचे से उसको खोल लिया है, बिल्कुल फ्री हमने कर लिया है इसको। अब यहां से आपने ऊपर से नीचे को निकालना है। थोड़ा सा आपने इस बात का ध्यान रखना है, इस वायर के साथ में ही इग्निशन भी, हमारा इग्निशन का भी है जो स्विच ऑन ऑफ का है, उसकी वायरिंग वगैरह सब होती है यहाँ पे, वो ना टूट जाए, आपने इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल इजीली यहां से आपने इसको पकड़ते हुए नीचे को निकालना है, बिल्कुल धीरे से, देखो इस तरह से, बिल्कुल इजी ऐसे निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाता है ये। और वायर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, वायर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो ये 3 साल तकरीबन चल गया है मेरा, ये वायर 3 साल चल गया है, और उसके बाद आप चेंज कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मैं नई वायर इसमें डाल देता हूं। तो मैंने ये नई वायर निकाल ली है इसमें से, और मैं जैसे कि बता रहा था, सबसे पहले आपने इसके जो नीचे के ये नट है, रबड़ और ये नट है, इसको खोलना है सबसे पहले आपने, ये आपने इस तरह से निकालना है, ये दोनों निकाल लीजिए। और इसमें जब नई लेके आओगे, आपने इसमें ना ल्यूब करना है, ना ग्रीस डालना है, कुछ नहीं करना है, आपने जैसी है इसी तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, और वैसे ही जैसे हमने निकाली थी, हमने यहां से निकाली थी, और यहीं से हम डालेंगे इसको नीचे से अंदर से। हम ये नहीं है कि हम पहले यहां से इसको, ये जो बड़ा हिस्सा है, यहां से डालें, ऐसे ऐसे डालने के बाद पूरी वायर जो है हमारी ये छिल जाएगी, तो हमने वहां से नहीं डालनी है। हमने जो इसका ऊपर का हिस्सा है, ये देखिए नई वायर है, जो ऊपर का हिस्सा है, यहां से हमने इसको डालना है। तो यहां से आप देखोगे तो पूरी जगह है डालने की, ये इस तरह से यहां से आप डाल सकते हो। यहां से डालने के बाद आप इसको उंगली से अंदर को डालिए, और उसके बाद धीरे से करके ये देखिए, ये डल चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट डल गया है। उसके बाद जैसे ही, जैसे हमने निकाला था, पहले यहां डाल लेना है, इसके बाद हमने नीचे डालनी है। यहां मैं डाल के आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां से आप देखोगे ये जो है वायर हमारी, हमने पहले सबसे पहले ऊपर से ही डालनी है, और यहां से इसको इस तरह से आपने, ये देखिए बहुत बहुत ही ज्यादा इजी है। यहां से देखिए इसको इस तरह से, दोनों साइड से एक जैसी है, जिस मर्जी साइड से डालिए, यहां से आपने डालना है, बहुत इजी, और इसको इस तरह से आगे कर देना है, और ये जो हमारा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, इसको
हमने रबड़ को इस पे चढ़ाना है यहाँ, ताकि ये खराब ना हो, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको आगे ऐसे कर देना है। यहाँ ये ऐसे लग गई है, ये देखिए ये लग गई है, और लगने के बाद आपने नीचे जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको वहां पे फिट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए वायर मैं यहां तक ले आया हूं, और बहुत ही इजी पहुंच जाती है क्लच केबल जो है वो, और यहां पे हमने इजीली इसको इस तरह से इसमें इंस्टॉल करना है। इसको बिल्कुल पीछे करना है जब तक हमारी सेटिंग नहीं होती, ये देखिए। उसके बाद हमने जो इसकी रबड़ और नट निकाला था वो हमने इसमें डाल देना है, ये देखिए इस तरह से इसका जो ये नट है वो लगा देना है, और उसके बाद आपने जो इसकी रबड़ थी वो रबड़ इस पे लगा देनी है, ताकि डस्ट वगैरह जो है इसमें ना जाए। ये देखिए इस तरह से ये लग जाएगी, यहां से ये केबल निकालने के बाद आपने वैसे ही जैसे इसको यहां से थोड़ा सा प्रेस करके इसको वायर यहां से इसको डाल देनी है, और उसके बाद हमें इसको टाइट करना है। और वो टाइट कितना करना है ये सबसे बड़ी सोचने की बात यही है कि टाइट कितना करना है। तो पहले आप इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कीजिए। सबसे पहले तो जहां पे ये अपने आप रुक जाए वहां पे आपने इसको टाइट करना है। उसके बाद क्लच आपने प्रेस करके देखना है, और क्लच प्रेस करने के बाद आप क्या क्या चेक करोगे उसमें कि हल्का सा आपको एक ये एक पुल मिलना चाहिए, पुल बोल सकते हैं इसको, कि हल्का सा प्रेस जब हम करते हैं थोड़ा सा पहला पुल और दूसरे पुल में पूरा दब जाए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं पहला और ये पूरा दब जाए, ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूं। और फ्रेंड्स दूसरा जब आप यहां से इसको पुल करोगे तब आपको पता लगेगा, ये देखिए पहला पुल, ये देखिए इतना सा लीवर तो लूज होना चाहिए ताकि हमारा क्लच प्लेट जो हर टाइम जो है वो खिंची ना रहे। ये देखिए पहले पहला पुल और फिर ये पूरा खिंच जाएगा लीवर नीचे, आप नीचे भी देख सकते हो पहला और ये पूरा, और दूसरा मैंने इसको यहां से अच्छे से इसको टाइट कर दिया है 12 नंबर की चाबी जैसे मैंने बताया था। और आप इसको राइडिंग के हिसाब से चेक कर सकते हो कि राइड करने के बाद कितना आपको क्लच छोड़ना है, कहां से आपको पिकअप इसकी मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।